सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। ग्रेनेड्स क्या होते हैं इसके बारे में तो लगभग आप में से हर किसी को मालूम होगा, और ये काम कैसे करते हैं इसके बारे में भी शायद आप में से अधिकतर लोगों को जानकारी जरूर होगी, और जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेनेड काम कैसे करता है हम इसको लेकर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। बाकी आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे खास तरह के मल्टी मोड ग्रेनेड के बारे में जिसे इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, और इस ग्रेनेड की एक खास बात ये भी है कि इसे भारत में ही बनाया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इस मल्टी मोड ग्रेनेड का नाम है शिवालिक, जो कि एक जनरल पर्पस के लिए बनाया गया एंटी पर्सनल ग्रेनेड है, और इसे विकसित किया है भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, और इसे मैन्युफैक्चर किया गया है भारत की ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड द्वारा। और अपने नाम के अनुरूप ही इस ग्रेनेड को तीन अलग अलग तरह के मोड्स में इस्तेमाल किया जा सकता है, पहला ऑफेंसिव मोड, दूसरा डिफेंसिव मोड और तीसरा राइफल मोड। और इस ग्रेनेड के बाहर लगे हुए आउटर स्लीव को बदल के इसके मोड्स के बीच में इंटरचेंज किया जा सकता है, और इन तीन अलग अलग तरह के मोड्स के लिए इस ग्रेनेड के मॉड्यूलर डिजाइन में तीन अलग अलग तरह के बेसिक मॉड्यूल्स शामिल हैं, जिनमें पहला है फ्यूज, दूसरा है ग्रेनेड बॉडी और तीसरा है लॉन्चर ट्यूब, और इसके अलग अलग मॉड्यूल्स को बड़ी आसानी से असेंबल और डिसेंबल किया जा सकता है। और इस ग्रेनेड की एफिशिएंसी पर कोई भी प्रभाव ना डाले बिना इसे किसी भी समय प्राइम और अनप्राइम ग्रेनेड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ये एक ऐसा ग्रेनेड है जिसे डिफेंसिव मोड में एक टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन ग्रेनेड और ऑफेंसिव मोड में इंपैक्ट ग्रेनेड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये टाइम डिले और इंपैक्ट ग्रेनेड क्या होते हैं हमने इनके बारे में डिटेल्स अपने ग्रेनेड की वर्किंग वाली वीडियो में बताई है, और इसीलिए आप हमारी ग्रेनेड की वर्किंग वाली वीडियो जरूर देखें। ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल करने के लिए इस ग्रेनेड को 50 मीटर की दूरी से दुश्मन के डिफेंस लाइन को पूरी तरीके से साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और जबकि डिफेंसिव मोड में इसे खुले में मौजूद दुश्मन के ट्रूप्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हमारे खुद के ट्रूप्स डिफेंस के अंदर हों। यानी कि डिफेंसिव मोड में जिस तरह के ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाता है वो फ्रेगमेंटेड होते हैं, और जब इस तरह के ग्रेनेड ब्लास्ट होते हैं तो उसके टुकड़े चारों तरफ एक बहुत बड़े एरिया में फैलते हैं, और इसीलिए इनका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब हमारी खुद की ट्रूप्स डिफेंसिव मोड में हो और किसी चीज का उन्हें कवर ले रखा हो ताकि ग्रेनेड के टुकड़े उनको ना लगें। और वहीं जो ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल किए जाते हैं वो ग्रेनेड कम दायरे के अंदर ब्लास्ट होते हैं ताकि सामने से आ रही दुश्मन की फायर को दबाया जा सके, और वहीं इसके तीसरे मोड में इसे किसी राइफल पर माउंटेड ग्रेनेड लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इंडियन आर्मी 36mm के हैंड ग्रेनेड का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन जब इस 36mm वाले ग्रेनेड को किसी ग्रेनेड लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है तो इसकी रेंज होती है केवल 120 मीटर, लेकिन इस मल्टी मोड ग्रेनेड शिवालिक को ग्रेनेड लॉन्चर से 200 मीटर की दूरी तक फायर किया जा सकता है, क्योंकि इसके वजन को हल्का बनाने के लिए इसमें कई सारे कॉम्पैक्ट स्पेशल पॉलीमर्स का इस्तेमाल किया गया है। और इस शिवालिक ग्रेनेड की शेप भी काफी ज्यादा इकोनॉमिकल है, यानी कि इसे बड़ी आसानी से हैंडल भी किया जा सकता है, और इसे -20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस पर बारिश या फिर नमी जैसी स्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी ये ग्रेनेड मेंटेनेंस फ्री है, और इंडियन आर्मी की सर्विस में इसके 1.8 मिलियन से भी ज्यादा की यूनिट्स मौजूद हैं, और इस ग्रेनेड की मदद से इंडियन आर्मी अपने 36mm वाले ग्रेनेड्स को भी रिप्लेस कर देगी, और ऑफिशियल्स के मुताबिक पुराने वाले ग्रेनेड्स की तुलना में इस ग्रेनेड को बहुत ही सटीकता के साथ हवा से ड्रॉप करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इस ग्रेनेड को पैरा ड्रॉपेबल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अलग अलग तरह के मोड्स होने की वजह से इसका इस्तेमाल करने वाले यूजर के लिए ये काफी ज्यादा सुरक्षित भी है, और किसी लॉन्चिंग ट्यूब से इस्तेमाल करने के लिए इसमें बुलेट ट्रैप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिस वजह से इसे 5.56 mm वाली इंसास राइफल की एक नॉर्मल बॉल एम्युनिशन भी इनेबल कर सकती है। जब इस ग्रेनेड को हैंड मोड में ऑफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये 3 से 5 मीटर के रेडियस में नुकसान पहुंचा सकता है, और वहीं जब इसे हैंड डिफेंसिव मोड में इस्तेमाल किया जाता है तो ये 8 से 10 मीटर के रेडियस में नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, और हैंड ऑफेंसिव रोल में इसे 40 मीटर की दूरी तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और वहीं डिफेंसिव रोल में इसे 35 मीटर की दूरी तक इस्तेमाल किया जाता है। और एडिशनल सेफ्टी मैकेनिज्म के तौर पर इसमें शटर मैकेनिज्म दिया गया है जो कि एक्सप्लोजिव ट्रेन को ब्लॉक करता है, और सेफ्टी पिन को होल्ड करने के लिए इसमें सेफ्टी लीवर का मैकेनिज्म भी शामिल है, और जबकि इसके राइफल ग्रेनेड लीवर को मेटालिक रिंग से सुरक्षित किया गया है।
और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, जो कि दर्शाता है कि भारत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।